बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने टोटल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट की थी मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाले वैल्यूज में। आज हम देख रहे हैं कि अगर आप ऐसा कोई फार्मूला यूज़ कर रहे हैं जिसमें पावर्स यूज हो रही हैं, तो फिर आप फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके एक एग्जाम्पल से वजाहत करते हैं। आपने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और उसके लिए आपको फार्मूले का पता है वी इक्वल टू 4/3 πr³। यहाँ पे r रेडियस है, रेडियस हमें रिक्वायर है, रेडियस हमें गिवन भी है और रेडियस है 2.25 और उसमें अनसर्टेनिटी 0.01 सेंटीमीटर। अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं स्फीयर का वॉल्यूम, जिसका फार्मूला 4/3 πr³ है, जिसके लिए r की वैल्यू गिवन है। अब देखिए इसमें जो r यूज हुआ उसमें पावर दी गई है, तो यही हमारा टॉपिक है कि अगर कोई पावर वाला हमारे पास वैल्यूज कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फाइनल रिजल्ट में टोटल अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस आर में परसेंटेज फाइंड करेंगे। हम यूज़ करते हैं परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन आर। उसके लिए वही जो हम पहले यूज़ कर चुके हैं कि 0.01 को हम 2.25 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जो आंसर आएगा वो हमारे पास आर में परसेंटेज अनसर्टेनिटी होगी। अब हमने कैलकुलेट करना है वी, तो अब हम वी में कैसे परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो उसके लिए सिंपल हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वी। अब इसके लिए क्या करना है कि आपने देख लेना पावर में क्या है, पावर में 3 है, उस 3 को आप इस आर में जो परसेंटेज है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 0.4। जो भी पावर में होगा 3 हो 5 हो 7 हो कुछ भी हो, उसने आप उसको आपने इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये बनता है 1.2%। मीन्स वी में कितने परसेंट अनसर्टेनिटी होगी, 1.2%। ये परसेंटेज में है। अब हमने सिंपल अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करनी है, उसके लिए पहले हम वी सिंपली फाइंड कर लेते हैं। अगर हम वी वाला फार्मूला यूज़ करें वी इज इक्वल टू 4/3 πr³। वैल्यूज पुट करते हैं, 4/3 π की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 2.25। ये r की वैल्यू है और ये वाली r की अनसर्टेनिटी है। तो हमने r की सिर्फ वैल्यू यूज़ करनी है फार्मूले में, पहले 2.25 और पावर 3 है। इसको जब कम्प्लीटली वो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने वॉल्यूम कैलकुलेट किया है, लेकिन अभी हमने इसके साथ इसकी अनसर्टेनिटी नहीं लिखी। अब हम अनसर्टेनिटी पहले इसकी फाइंड करते हैं, तो लिखेंगे अनसर्टेनिटी इन वी। उसका क्या तरीका है कि ये जो आपके पास आंसर आया है उसका आपने 1.2% देखना कितना बनता है। तो इसका 1.2% कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसी वैल्यू को आप 1.2/100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आंसर आता है हमारे पास 0.6। पहले आपने देखा था कि बी में परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी बनती है, उसके लिए आपने ये जो पहले आंसर आया था आर का 0.4 इसको पावर से मल्टीप्लाई किया था, ये हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई थी। उसके बाद परसेंटेज के छोड़ा सिर्फ अनसर्टेनिटी देखें बी में कितनी आती है, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 1.2% आया था इस 1.2% आपने इस वैल्यू के लिए यूज़ करना है कि 47.689 का 1.2% कितना बनता है। तो उसके लिए सिंपल आप इस वैल्यू को 1.2/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये आ गई बी में हमारे पास अनसर्टेनिटी का वैल्यू लिखने का क्या तरीका होगा, v इज इक्वल टू पहले आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे 47.689 और साथ में आप ये वाली अनसर्टेनिटी लिख देंगे। तो ये अगर पावर फैक्टर यूज हो एक्सप्रेशन के अंदर तो फाइनल रिजल्ट में अनसर्टेनिटी कैसे कैलकुलेट करनी है उसके लिए ये तरीकेकार है हमारे पास। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर बहुत सारी वैल्यूज के एवरेज हम फाइंड कर रहे हैं और हर वैल्यू की अलग अलग अनसर्टेनिटी दी है तो फाइनल रिजल्ट में हम कैसे अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।